अगर आपने कभी नोटिस किया होगा कि जब भी कोई फ्रॉड होता है और ब्लैक मनी का खुलासा होता है, तब अक्सर स्विस बैंक का नाम सामने आता है। यहाँ तक कि गवर्नमेंट भी बहुत बार लोगों को वादा करते हैं कि वो स्विस बैंक से पैसे छुड़वा कर लाएंगे। लेकिन क्यों, ऐसा क्या है इस स्विस बैंक में? चलो तो आज हम उसी के बारे में बात करेंगे। तो तैयार हो जाओ, ये है फैक्टस्टान, जहाँ आपको मिलेंगे मजेदार फैक्ट्स लगातार। स्विस बैंक ये स्विट्जरलैंड की बैंक है, जो कि अर्ली 18th सेंचुरी से चली आई है और सैकड़ों सालों से बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स रेगुलेटेड और इंटरनेशनल इंडस्ट्री में ग्रो होती जा रही है। ये स्विस बैंक अपनी बैंकिंग सीक्रेसी और क्लाइंट के डेटा को हाईली कॉन्फिडेंशियल रखने के लिए काफी ज्यादा फेमस है। दरअसल कुछ वेल्दी यूरोपियन क्लाइंट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए स्विस बैंक ने बैंकिंग सीक्रेसी का एक लॉ पास किया था, जिसमें वो किसी भी अकाउंट होल्डर का नाम डिस्क्लोज नहीं कर सकते, यानी कि अकाउंट होल्डर का सारा डेटा हाईली सिक्योर्ड रहता है। तभी ये लॉ इसीलिए बनाया गया था ताकि जिन मासूम लोगों के असेट्स नाजी अथॉरिटीज ट्रैक कर रहे थे, उन्हें प्रोटेक्ट किया जाए। लेकिन इस लॉ का गलत इस्तेमाल बहुत लोगों ने इल्लीगल पैसों को छुपाने के लिए किया। स्विस बैंकर्स के पास अपने बैंकिंग और अकाउंट होल्डर्स के रिलेटेड एक सीक्रेट कोड होता है, जो कि किसी को भी पता नहीं होता। यानी कि यहाँ नॉर्मल बैंक के जैसे ही KYC और डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस होते हैं, लेकिन स्विस बैंक में अकाउंट होल्डर का नाम, एड्रेस कुछ भी नहीं पता चलता और ये अकाउंट एक कोड डिजिट में बनाया जाता है। बैंक ऑफिशियल्स अकाउंट होल्डर के डिटेल्स तभी रिवील करते हैं जब स्विस कोर्ट उन्हें परमिशन देती है, और स्विस कोर्ट तभी परमिशन देती है जब उस इंसान के नाम पर क्रिमिनल चार्जेस लगे हो। साथ ही अगर किसी एम्प्लॉय ने ये कोड गलती से भी एक्सपोज किया, तो वो क्रिमिनल एक्टिविटी जैसे माना जाता है। ये बैंक आपके पैसे रखने के लिए दुनिया की सबसे सेफ बैंक है और ये स्ट्रॉन्ग प्राइवेसी प्रोवाइड करने का स्विट्जरलैंड का एक रेपुटेशन माना गया है। बहुत लोग स्विस बैंक में अपने अकाउंट्स ब्लैक मनी रखने के लिए ओपन करते हैं, क्योंकि यहाँ के सारे अकाउंट्स बहुत ज्यादा प्रोटेक्टेड होते हैं, तो पकड़े जाने का कोई चांस ही नहीं होता। जनरली स्विस बैंक में पैसे डिपॉजिट करने के लिए लोग ये करते हैं कि कोई भी ऐसे इंसान को ढूंढते हैं जो उनका पैसा स्विट्जरलैंड करेंसी स्विस फ्रैंक्स में कन्वर्ट करके देगा, और फिर वो स्विस फ्रैंक्स स्विस बैंक में डिपॉजिट करते हैं। कुछ लोग ये भी करते हैं कि जिन प्लेसेस पर टैक्स कम है, वहाँ एक कंपनी खोलते हैं और फिर स्विस बैंक में उस कंपनी के नाम में अकाउंट खोलकर अपना ब्लैक मनी वहाँ सेफ रखते हैं। साथ ही ये बैंक आपके डिपॉजिट पर इंटरेस्ट पे नहीं करती, बल्कि हाई प्रोटेक्शन के चलते अकाउंट होल्डर से ही फी चार्ज करती है। तो इसीलिए फ्रॉड लोग इस स्विस बैंक में अपना ब्लैक मनी छुपाते हैं, और साथ ही कभी कभी गवर्नमेंट भी इसका इस्तेमाल करती है। आपको ये वीडियो कैसा लगा ये मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।